हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आगरा यूनिवर्सिटी के मेन एग्जाम के रिजल्ट और सेमेस्टर एग्जाम के रिजल्ट के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट लेके आए हैं। तो ये जो अपडेट आ रही है वो आपकी ऑफिशियली अपडेट है आपके जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी सभी स्टूडेंट्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स आगरा यूनिवर्सिटी के हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक छोटी से छोटी अपडेट आगरा यूनिवर्सिटी की आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, डीवीआरई को मेन एग्जाम के जो रिजल्ट है, आपको याद होगा कि एक या दो कोर्स का आपकी यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट जारी कर दिया, लेकिन अभी भी बीए बीएससी वगैरह के जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किए हैं, ना ही सेमेस्टर एग्जाम को कोई भी रिजल्ट जारी किया है, ठीक है। तो पहले अपडेट को देख लेते हैं। अपडेट आपके न्यूज़पेपर में लिख लिया है, लिखा है परिणाम घोषित ना होने से लटकी बीएड काउंसलिंग। 15 सितंबर तक स्नातक अंतिम वर्ष के साथ परिणाम जारी करने की योजना, आपकी जो यूनिवर्सिटी है उनकी जो योजना है वो है 15 सितंबर तक सारे स्नातक, मतलब आपके जो पीजी के जितने भी कोर्सेज के जो एग्ज़ाम हुए थे उन सबके रिजल्ट 15 तारीख तक जारी करने की उनकी योजना बनाई है आपकी यूनिवर्सिटी ने। अपडेट में क्या अपडेट देख लेते हैं। लिखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का परिणाम जारी नहीं होने की वजह से प्रदेश भर में बीएड की काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। इस वजह से विश्वविद्यालय प्रशासन स्नातक स्तर अंतिम वर्ष की सभी परीक्षाओं के परिणाम 14-15 सितंबर तक जारी करने की तैयारी में है। विश्वविद्यालय की ओर से बीकॉम अंतिम वर्ष का परिणाम जारी कर दिया गया, अब बीए और बीएससी अंतिम वर्ष का परिणाम जारी होना है। कुलपति प्रो आशु रानी का कहना है कि बीएससी अंतिम वर्ष का परिणाम लगभग तैयार है, इसको पहले जारी किया जाएगा, इसके बाद बीए का परिणाम जारी किया जाएगा। इस दिशा में काम तेजी से चल रहा है। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में कॉलेजों ने आंतरिक परीक्षा अंक उपलब्ध नहीं कराए थे, इससे परीक्षा परिणाम में देरी हुई। 8 सितंबर तक सभी कॉलेजों को आंतरिक अंक उपलब्ध कराने के लिए समय दिया गया है, अभी भी कोई कॉलेज ने अंक दिए नहीं है। जिन कॉलेजों में अंक नहीं उपलब्ध कराए हैं उन्हें छोड़कर काफ़ी कॉलेजों के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। तो देखो, आपका जो रिजल्ट है, सबसे पहले बीएससी के जितने भी छात्र छात्राएं हैं मेन एग्ज़ाम के, बीएससी के मेन एग्ज़ाम के जितने भी छात्र छात्राएं उनका जो रिज़ल्ट है 1 से 2 दिनों में जारी होने की संभावना है, क्योंकि सारी तैयारियां हो चुकी हैं एग्ज़ाम की। देखो, जिस जिस कॉलेज ने आपके प्रैक्टिकल मार्क्स आपकी यूनिवर्सिटी को भेज दिए हैं उस कॉलेज का रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। जिस जिस कॉलेज ने बच्चों के प्रैक्टिकल मार्क्स यूनिवर्सिटी को नहीं भेजे हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो पेंडिंग में रखा जाएगा, उनका रिज़ल्ट जारी नहीं किया जाएगा। फिर बीएससी का रिज़ल्ट जारी होने के बाद फिर बीए अंतिम वर्ष का जो रिज़ल्ट है, फाइनल बीए बीए का जो रिज़ल्ट है उसको जारी किया जाएगा। आज तारीख हो चुकी है 12, 3-4 दिन में लगभग यूनिवर्सिटी सारे रिज़ल्ट जारी कर देगा। और वहीं अगर हम बात करें सेमेस्टर एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की, तो सेमेस्टर एग्ज़ाम का भी रिज़ल्ट यूनिवर्सिटी जारी करने की योजना में है, जारी करने वाला है 1-2 दिनों में उनको भी जारी करने की जारी करेगा, क्योंकि उनका कहना है, यूनिवर्सिटी का क्लियर कहना है कि जिस जिस कॉलेज ने प्रैक्टिकल मार्क्स भेजे हैं उनका कॉलेज उनका रिज़ल्ट जारी किया जाएगा, जिस जिसने प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं भेजे उनका रिज़ल्ट पेंडिंग में रखा जाएगा, उनका रिज़ल्ट बाद में जारी किया जाएगा, ठीक है। तो अपडेट आज की इस वीडियो में बस इतनी अपडेट थी। अगर कोई और रिजल्ट की अपडेट होगी तो वो भी मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा दूंगा, इसलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।